सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भाई SJVN को लेकर। तो SJVN आप लोग देखो, जब से कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं तब से स्टॉक है नीचे ही आ रहा है भाई। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने बनाया, रिवेन्यू वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उसके बावजूद भी स्टॉक ऊपर से डाउन आ रहा है। तो क्या कारण है भाई इस गिरावट के पीछे? बहुत से निवेशक यही सोचने में लगे हुए हैं, सभी के मन में यही टेंशन है क्यों टूट रहा है। तो इसी बीच आप लोग देखोगे, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेलवे के ऊपर है, वहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी कि जो भी PSUs हैं वहाँ पर हमें एक के बाद एक कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकलते हुए नजर आ रही है ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से, और वहाँ पर उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि इमजगाउंड को GRSE है, उन दो स्टॉक्स को भी 77% डाउनग्रेड किया गया है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग ICICI सिक्योरिटीज ने किया है ना अभी, तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव संकेत, उसकी वजह से शेयरों में दो दिन गिरावट बनी। आज आप लोग देखोगे इन शेयरों में जबरदस्त रैली है। उसके बाद आप लोग देखोगे इससे पहले इरेडा को किया था 60% डाउनग्रेड, उस स्टॉक में भी गिरावट बनी, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी बना उस शेयर में। इसके बाद आप लोग देखोगे रेलवे के शेयरों में RVNL है, राइट्स लिमिटेड है, रेलटेल कॉर्पोरेशन है, इरकॉन इंटरनेशनल है, ठीक है, इन शेयरों को जो अभी डाउनग्रेड किया गया है। उसके बावजूद आप लोग देखोगे अब SJVN की बारी आ गई है, SJVN को भी डाउनग्रेड कर दिया गया। किसने किया, कितना डाउनग्रेड किया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या स्टॉक वाकई में उतना टूटेगा या फिर स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बन सकती है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। और एक फ्रेश ऑर्डर भी आया है अभी मार्केट में, उसके टेंडर जो निकला उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है, सबसे पहले वही देखते हैं अभी कंपनी ने क्या अपडेट दिया, उसके बाद चर्चा करेंगे भी किसने क्या बोला है और कैसा इंपैक्ट रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि SJVN ने नोटिस पब्लिश किया है 21 तारीख यानी आज के दिन ये नोटिस आया है। NSE BSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो भी जाकर अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी ने क्रिशियल रेटिंग के ऊपर जो है अभी सूचना दी है। तो क्रिशियल रेटिंग में आप लोग देखोगे भी क्या कुछ रहा है, तो इसको AA+ की रेटिंग मिली है जो कि स्टेबल रखी गई है भाई, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यही अभी क्रिशियल की तरफ से इसको रेटिंग मिला है, इससे कुछ खास बड़ा इंपैक्ट रहने वाला, सेम रेटिंग रखा गया तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए अब देखते हैं इसका जो मेन न्यूज है, जहाँ पर इसको 40% डाउनग्रेड किया गया है। जी हाँ, 40% जो शेयर है वो क्रैश हो सकता है इसके अनुसार। किसके अनुसार, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल रही है, जहाँ पर सरकारी कंपनी का शेयर 39% लुढ़कने का अनुमान, गिरावट हो चुकी है शुरू, पोर्टफोलियो में है तो भी पहले से ही ये रिपोर्ट पढ़े। तो रिपोर्ट आई अभी गोल्डमैन सैक्स, इसने पहले भी कई बार SJVN के ऊपर रिपोर्ट्स निकाली है। इससे पहले जब ये शेयर 100 रुपये पर आया था ना, अभी 40-50 रुपये से चलकर 100 रुपये पर आया, तब इन्होंने डाउनग्रेड किया, 60 रुपये के लेवल दिए थे, लेकिन स्टॉक 90 रुपये के आसपास गया, वहीं से रिवर्सल और स्टॉक 150+ निकला था पीछे, ठीक। उसके बाद अब आप लोग देखोगे इसके अंदर रिजल्ट वगैरह सब कुछ ओके आने के बावजूद यहां पर लगभग 40% डाउनग्रेड इसको किया गया है नीचे में, और उसके बाद स्टॉक में जरूर एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। यहाँ से देखोगे इस सरकारी कंपनी के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली है, आपने देखोगे 8% के आसपास है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स है, इसने आप लोग देखोगे यहाँ पर शेयर में और भी गिरावट का अनुमान लगाया, साथ ही इसकी वजह भी बताई है। तो यहाँ पर देख सकते हो वो कंपनी भी SJVN, जी हाँ, यहाँ पर देख सरकारी कंपनी SJVN के शेयर में बुधवार को शुरुआती कामकाज के दौरान करीब 0.5% की गिरावट देखने मिली, उसके बाद जो शेयर वो 1% के ऊपर में गया। इस स्टॉक में जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन ने सेल की राय दी है, सेल को बेचो इसे। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने पहले के मुकाबले इस स्टॉक के जो टारगेट प्राइस है वो 75 से मुकाबले 78 कर दिया है, नीचे से अपना टारगेट इन्होंने इंक्रीज कर दिया, बट जो करंट प्राइस है वहां से ये 85 रुपए का जो प्राइस है ये लगभग 39% गिरावट के ऊपर है। तो 39% तक जो शेयर वो ऊपर से टूट सकता है, ये इनका अनुमान है। इसके बाद आप लोग देखोगे भी इन्होंने क्या इसके बारे में बोला, भी क्यों है शेयर में बड़ी गिरावट के अनुमान। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बक्सर में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के शुरू होने में देरी हो रही है। इस थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट कारोबारी साल 2025 के अंत से पहले शुरू होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। यूनिट 2 कारोबारी साल 2026 में शुरू हो सकती है। कंपनी ने पहले इसे जून सितंबर 2024 में शुरू होने का गाइडेंस दिया था, बाद में इसे रिवाइज करके दिसंबर 2024 मार्च 2025 तक निर्धारित कर दिया गया था। और अरुण 3
प्रोजेक्ट्स अरुण तीन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने की टाइमलाइन कारोबारी साल 2026 तक होना है। ऐसे में मध्यम या फिर लंबी अवधि के लिहाज से कंपनी के पास कोई बड़ा करार नहीं है। तो यानी देखा जाए तो कंपनी की एक दो परियोजनाएं हैं जो लेट शुरू हो सकती है भाई, ठीक है, जिसके एक्विजिशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, और इन्होंने इसका जो अभी गिरावट का अनुमान लगाया है, इसकी वजह से जो शेयर है वो आने वाले टाइम में लगभग 40% के करीब जो अभी टूट सकते हैं। तो ये खबरें आई हैं सामने। मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में एक बात बोलता हूँ, ऐसी खबरें जब भी निकलती है उसके ऊपर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि स्टॉक टूटा तो नहीं ना भाई, स्टॉक हाई क्रिएट करता है फिर ऊपर देखो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता रहता है, अगर यहाँ से गिरावट भी होती है तो 10-15% लास्ट है भाई, 10-15% के बाद जो शेयर फिर से एक अच्छी रिकवरी लेते हुए नजर आएगा, जैसे आपने मजगाउंड GRSE में देखा होगा अभी, ठीक है, अरविंद में या फिर इरेडा के अंदर देखोगे 60% डाउनग्रेड किया था, 20-22% टूटा, अभी टाइम स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऐसा ही होता तो वो शेयर भी 40-60% टूटता। तो ये सब कुछ कहने की बातें हैं, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना, कहीं पर कुछ भी बोले कुछ भी कहें, आपको सिर्फ आगे के बारे में सोचना है। तो लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल पॉजिटिव है, अगर होल्डिंग है होल्ड कीजिए, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो नीचे के भाव में अगर शेयर आता है 4-5% यहाँ से इस खबर के बाद टूटता है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना आई थिंक वो सही रहेगा भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी इसके आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी, मैंने आपको पहले बोला जिसको रिस्क नहीं लेना है 135 का सपोर्ट बन रहा है भाई, मत लो रिस्क, जिसको नहीं लेना है मत लो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है किसी के ऊपर फंसा नहीं है अभी हम इसे होल्ड ही करेंगे रखेंगे, कोई ज़रूरी भी नहीं है, जिसको नहीं रखना है मत रखो भाई, 135 का सपोर्ट है नीचे में, रिस्क नहीं लेना है उनके लिए। वैसे ट्रेंड लाइन स्टॉक में काफ़ी टाइम से बनी हुई है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे में कटता भी है तो जोर मार के जो शेयर है वो 115 रुपये के आसपास लास्ट है अभी, वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से अगर टूटता भी है तो, ठीक है, तो 115 के आसपास का सपोर्ट है। इस खबर के बाद 120-115 उस लेवल पर स्टॉक आ सकता है अभी, अगर इतना बड़ा फॉल होता है शेयर में तो उसके बाद आप लोग देखोगे इस शेयर में फ्रेश एंट्री या फिर SIP के जो मौके वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के टाइम भी अपने बाउंड वीक हाई से तो ठीक ठाक गिरावट में शेयर है भाई, अगर देखा जाए तो इसका जो बाउंड वीक हाई 170 रुपये के आसपास है और वहाँ से देखा जाए तो स्टॉक अभी 20% गिरावट में है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ करंट प्राइस से अगर ये 40% इन्होंने बोला है कि भी 40% और ये डाउन जा सकता है तो भी ऐसे में तो 180 रुपये के आसपास 185 रुपये के आसपास के जो लेवल है वो ये शेयर हमें दिखा सकता है भाई, ठीक है। नीचे में देखोगे ये बनते 180 रुपये के आसपास के बनते हैं टोटली लेवल, तो यहाँ से 180 रुपये नहीं आएगा भाई, ये लास्ट आप लोग देखोगे 15% 10% अगर टूटेगा 15% जोर मार के चले तो 115 रुपये के आसपास से स्टॉक में ज़बरदस्त रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसी खबरें आती रहेंगी, आपको पहले की नहीं होना है, लॉन्ग टर्म विजन देखिए भी, लॉन्ग टर्म में स्टॉक चला तो ऊपर है ना, तो आगे भी बस यही है भाई, ऐसा तो नहीं है भाई यहाँ से अभी 80 पर आगे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, कंपनी अच्छी काम कर रही है, अच्छी ऑर्डर बुक है, सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।